नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देवेश चंद्र ठाकुर के एक बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। उनके बयान से ये साफ साफ झलकने लगा कि वो जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। उनके बयान पर तरह तरह की बातें भी होने लगी कि क्या देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू से अलग हो जाएंगे। वहीं अब उनके बयान पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बयान का अब गलत मतलब निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर से जब तक मैं नहीं बात करूंगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही ये अभी कहा नहीं जा सकता। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, देवेश चंद्र ठाकुर ने लालू यादव की तारीफों के जो कसीदे पढ़े उसको लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि उनके अच्छे संबंध होंगे लालू यादव से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। पहले नहीं, अब इंटरप्रिटेशन क्या आप लोग उनका निकाल रहे हैं, क्या प्रश्न था या उसका क्या जिस्ट निकाले हैं, इंटरप्रिटेशन क्या किए हैं, ये सब तो उनसे बात करने के बाद ही बता पाएंगे ना उनका क्या मतलब था कहने का, क्योंकि वो पार्टी के हमारे एमपी हैं और हमको नहीं लगता है कि उनका ये अर्थ हुआ होगा कि वो भाजपा और जदयू के लोग समर्थन नहीं कर पाए, या फिर हर जगह पार्टी में रहता है कुछ लोग मदद करते हैं कुछ लोग मदद नहीं करते हैं, पार्टी में रह करके भी नहीं करते, तभी तो उन लोगों के ऊपर अनुशासित कार्रवाई की जाती है पार्टी के पास। इसलिए हमारा ये लगता है कि उनको मिस कोट कहीं ना कहीं किया गया है देवेश चंद्र ठाकुर। संबंध सबसे अच्छे रहते हैं, सबसे उनके अच्छे संबंध रहे होंगे, वो तारीफ किए। वैसे बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी पार्टी और सहयोगी दल बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ भी की। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें हराने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया था, आरजेडी तो प्रतिद्वंदी थी लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि जेडीयू और बीजेपी हमारे आगे थी या पीछे। सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुझे जीत बीजेपी या जेडीयू की तरफ से नहीं बल्कि अपने 20 साल से किए गए व्यक्तिगत काम और व्यक्तिगत रिश्तों के कारण मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए सभी पार्टियों ने षड्यंत्र रचा। वैसे इनके बयान पर अब अशोक चौधरी ने जो प्रतिक्रिया दी है उससे तो यही लग रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।